गाइस आज मेरे पास है ये दो टॉय कार्स। जैसा कि आप देख सकते हो ये टॉय कार्स है, मॉन्स्टर ट्रक टॉय कार्स। इसमें आप देख सकते हो कि सस्पेंशन है, ये विदाउट बैटरी के टॉय कार्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हो अगर इन्हें हम थोड़ा सा भी मूवमेंट दे तो ये ऑटोमेटिक खुद ही दौड़ पड़ेंगे। तो आज मैं इस टॉय कार को अपग्रेड करने वाला हूँ और हम इसे चलाएंगे इस टीवी रिमोट कंट्रोल की मदद से, जो कि एक ऑर्डिनरी टीवी रिमोट कंट्रोल है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले ये छोटी सी मोटर, ये जो मोटर होती है ये डीवीडी में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, डीवीडी प्लेयर जो होते हैं उनमें। तो ये एक्चुअल में 6 वोल्ट की मोटर होती है लेकिन हम इसे 3 वोल्ट से चलाएंगे। तो गाइज़ ये जो मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म के यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो मिडल में हमें कुछ इस तरीके से ये गियर मोटर का अटैच होना चाहिए। तो यहाँ से अगर लगाना पॉसिबल होता तो फिर काफ़ी आसान होता। ये जो पार्ट है ये पार्ट हम कट कर लेंगे और यहाँ से मोटर कुछ इस तरीके से डायरेक्टली लगा देंगे, तो मोटर भी लग जाएगी, मोटर का हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा और जो स्ट्रक्चर है वो हमारा काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। इसे कट करने के लिए मैं इस 100 ब्लेड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये इससे काफ़ी अच्छे से ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, और हमारी मोटर अब यहाँ पे परफेक्टली अलाइन हो जाएगी। वो होल परफेक्टली हो चुका है और हमारी जो मोटर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगने वाली है। तो मोटर भी काफ़ी परफेक्टली लग चुकी है। तो गाइस मोटर तो अच्छे से चिपक चुकी है, अब हम हमारे गियर्स फिक्स कर लेते हैं जल्दी से जल्द। सो हमारे सारे कंपोनेंट लग गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो मोटर ही इन सारे गियर्स को रोटेट करवाएगी कुछ इस तरीके से। मोटर भी अलाइन हो चुकी है, अब मैं इसे जल्दी से क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमें कौन सा हिस्सा कितना और कैसे कट करना होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये कट होने वाला है, तो जल्दी से मैं इसे मार्किंग कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली कितना पार्ट कट होने वाला है और उतना पार्ट हम कट कर देंगे। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो मैंने इसे इस शेप में कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट आ जा रहा है और ये प्रॉपरली बैठ रहा है। ये वैसे लग चुके हैं हमारे यहाँ, आप अगर देख पाओ तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो गाइज़ ये वो कंपोनेंट है जो मैं इस कार में लगाने वाला हूँ। ये जो है ये एक आयर रिसीवर का कंपोनेंट है जिसे मैंने मेरे पिछले काफ़ी वीडियोस में इस्तेमाल किया है, और इसे कैसे बनाते हैं और ये कैसे वर्क करता है आप इस वाली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। मैंने कुछ इस तरीके से इसका साइज़ जो है वो श्रिंक कर लिया है, यानी ये जो कंपोनेंट था ये नीचे से लगा हुआ था कैपेसिटर, जो कि मैंने जस्ट इसे पीछे से शोल्डर कर लिया है कुछ इस तरीके से। मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक JST फीमेल कनेक्टर, एक 3.7 वोल्ट की छोटी सी बैटरी जिसके साथ में एक मेल JST कनेक्टर लगा हुआ है। तो गाइस वायरिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है जैसा आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। सो ये कुछ इस तरीके से ऐसे फिक्स हो जाएगा, ये वायर यहाँ पे हो जाएगी, तरीके से हम ऐसे लगा देंगे। सो इसी के साथ हमारे जो कार का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें जो बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे तो हम इसे ऊपर लगा सकते हैं चाहे तो हम इसे आगे लगा सकते हैं, बट मैं इसे लगाने वाला हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से पीछे, ताकि इसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से प्रॉपरली हो जाए इसके साथ। मैंने थोड़ी सी डबल साइडेड टेप, इसे हम निकाल लेंगे यहाँ पे। अब ये चिपक गई है और हमारे कनेक्शन हो चुके हैं प्रॉपर।
तो गाइज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जैसे कि आपको बताया था ये वाला रिमोट। तो रिमोट में जैसे आप देख सकते हो नॉर्मल से सेल लगे हुए हैं और ये एक ऑर्डिनरी रिमोट है जिसमें आप देख सकते हो कोई भी अलग से कोई ट्रांसमीटर नहीं है। और ये रही हमारी कार जिसमें हमने बैटरी लगाई है और जो कंपोनेंट है वो अंदर आप देख सकते हो और ये है मोटर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो इसके जो टायर्स हैं वो रोटेट करने लगते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है जैसे आप देख सकते हो, इसमें कोई अलग से कोई ट्रांसमीटर नहीं लगाया हुआ है। तो देखते हैं इसे, तो ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस मॉन्स्टर ट्रक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटा सा बैटरी पैक। ये मेरे पास एक छोटा सा पावर बैंक था जिसे मैंने एक JST कनेक्टर लगा के एक छोटा सा बैटरी पैक बना लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है एक छोटी सी प्लास्टिक स्ट्रॉ जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसे हम कुछ इस तरीके से आगे चिपका लेंगे और कुछ सेम इसी तरीके से पीछे भी चिपका लेंगे ताकि इसमें हम हमारे टायर लगा पाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है तो भी मैंने यहाँ पे जुगाड़ करके कुछ इस तरीके से हॉट ग्लू गन की मदद से ये जो स्टिक है इसे स्टिक किया है। आगे यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया है जो कि 5mm का मोटा शाफ्ट है, स्टेनलेस स्टील वाला। और यहाँ पे मैंने वॉल क्लॉक में से पुराने गियर्स निकाले, आप देख सकते हो पुराने गियर्स है जो कि सरप्राइजिंगली मेरा जो शाफ्ट है उसमें प्रॉपरली फिट आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सिर्फ इसे इंस्टेंट ग्लू से चिपका देना है ताकि ये प्रॉपरली चिपक जाए। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने लिए है ये टायर, ये जो टायर थे ये मैंने पुराने टॉय में से निकाले हैं, ये जो पुराने मेरे पास टॉय था रिमोट कंट्रोल कार उसमें से। तो इसके अंदर भी ये जो शाफ्ट है प्रॉपरली फिट आ रहा है। अब इस शाफ्ट के साथ मैं इस टायर को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा और जो दूसरा गियर था दोस्तों वो भी मैं यहाँ पे इसे फिक्स कर दूंगा ताकि ये अपनी जगह से अपनी पोजिशन से हिले ना जब ये टायर रोटेट हो। दूसरा भी टायर यहाँ पे मैं लगा लूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों टायर प्रॉपरली लग चुके हैं और ये अपने पोजिशन से भी नहीं हिल रहे। आगे के लिए दोस्तों मैंने अलग से BO टायर्स इस्तेमाल किए हैं, ये जो टायर्स है साइज़ में थोड़े छोटे हैं। सेम उसी तरीके से मैंने एक स्टेनलेस स्टील की रॉड ली है 5mm की, यहाँ पे इसे थोड़े से हॉट ग्लू गन की मदद से मैं यहाँ पे इसे चिपका दूंगा और आगे के स्टिक में इसे स्टिक कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारे टायर्स है आगे वाले और पीछे वाले दोनों प्रॉपरली रोटेट हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटी सी 3-5 volt की DC मोटर। इस DC मोटर को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे चिपका देंगे। इस DC मोटर के ऊपर एक छोटा सा गियर है जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपरली लग चुका है और वो छोटा सा गियर बड़े गियर को रोटेट करवा रहा है। अब दोस्तों इस कार को इस रिमोट कंट्रोल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले एक छोटा सा कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट है ये 3 कंपोनेंट से मिलाकर बना है, एक है BD140 ट्रांजिस्टर, एक है कैपेसिटर और एक है IR रिसीवर। तो इसे कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक इट आउट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके आगे मैंने एक छोटा सा रिले लगाया और रिले के कनेक्शन में मैंने 2 LED और एक बजर लगाया। बजर के लिए मैंने एक ऑन ऑफ स्विच लगाया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो और उसी के साथ साथ ये जो छोटा सा कंपोनेंट है और ये जो वायर है ये जाएगी मोटर की तरफ और बीच में एक JST मेल कनेक्टर है वो जाएगा बैटरी की तरफ। तो ये सारी चीज़ों का कनेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर जल्दी से जो मोटर के वायर से वो कनेक्ट कर लेता हूँ, जो रिले है उसे आगे कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेता हूँ और जो कंपोनेंट्स है हमारे उसे कार के ऊपर कुछ इस तरीके से फिट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो LED है वो मैं कार के निचले हिस्से में लगा रहा हूँ ताकि लाइट नीचे के हिस्से से आए और जो उसका बजर है वो भी मैं निचले हिस्से में लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से और जो स्विच है वो भी मैं वहीं पे स्टिक कर दे रहा हूँ। अब अगर ये स्विच ऑन करते ऑफ करते तो हम बजर की जो कंटिन्यूटी है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कार के जो कनेक्शन है प्रॉपरली कम्प्लीट हो चुके हैं। कार नहीं दोस्तों, ये एक तरीके से मॉन्स्टर ट्रक ही है क्योंकि आप इसके टायर देख सकते हो।
अब यहाँ पे जो मैंने रिमोट कंट्रोल लिया, ये ऑर्डिनरी रिमोट है, और जैसा कि आप देख सकते हो मैं अगर बटन प्रेस करता हूँ तो ये टायर जो है रोटेट हो रहे हैं। दोस्तों काफ़ी लोग ये वीडियो को फेक वीडियो कहते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आप ये कंपोनेंट खुद ब खुद ट्राई कर सकते हो। मैंने ये कंपोनेंट के ऊपर कई दफ़ा वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस जाकर चेक कर सकते हो कि किस तरीके से वर्क करता है कंपोनेंट। ये कंपोनेंट के लिए आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे बना सकते हो और कोई भी रिमोट कंट्रोल से आप इसे चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रिमोट कंट्रोल से, चाहे वो फ्रिज का हो, एसी का हो, टीवी का हो, डीवीडी का हो, कोई भी रिमोट कंट्रोल से आप उसे चला सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि नीचे के हिस्से में लाइट काफ़ी अच्छी लग रही है और हमारी जो मॉन्स्टर ट्रक की जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया आ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों आप अगर इसे और अच्छे तरीके से बनाना चाहो और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे इसके वायरिंग जो कनेक्शंस और पार्ट्स है वो खुले ही है, अगर आप चाहो तो उसे एक प्लास्टिक के कंटेनर से ढक सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसे ओपन रखा है, मुझे ओपन ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आप चेक कर सकते हो ये कितनी फास्ट है और एक बटन दबाने से ये रोटेट कर रही है, आप इसका साउंड भी सुन सकते हो। और ये जो मॉन्स्टर ट्रक मैंने बनाया दोस्तों, ऐसे ही मैंने कई वीडियोस बनाई है, तो आप उसे भी हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर एक लाइक करिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो आप ये वीडियो एंजॉय करिए और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मॉन्स्टर ट्रक कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टिकटॉक बॉक्स की मदद से एक टीवी रिमोट कंट्रोल कार। तो यहाँ पे मैंने दो टिकटॉक बॉक्स लिए हैं जिन्हें मैं कुछ इस तरीके से ग्लूगन की मदद से चिपका ले रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर ये चिपक जाते हैं उसके बाद मैं यहाँ पे वायर फास्टनर ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अंदर जो नेल्स लगा होता है ये मैं निकाल ले रहा हूँ और अब इसके बाद इसे कटर की मदद से हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे ये अच्छे से कट हो चुका है, ऐसे हमें दो पीसेस चाहिए और एक स्टील का रॉड चाहिए हमारी कार का शैफ्ट बनाने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसमें इसे इंसर्ट कर रहा हूँ, दोनों हमें इंसर्ट करने हैं। और अब जो हमारा बॉक्स था उसके ऊपर हॉट ग्लू गन की मदद से हम इसे कुछ इस तरीके से चिपका लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं पुली बनाने वाला हूँ। पुली बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करने वाले हैं। पीवीसी पाइप को कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक चिपकाकर हम यहाँ पे छोटी सी पुली बनाने वाले हैं, जो कि कुछ हमारे शाफ्ट में इस तरीके से लग जाएगी। यहाँ पर मैंने दो बॉटल कैप्स लिए हैं पीछे के टायर्स बनाने के लिए, इनमें एक एक होल करके मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन्हें लगा दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से लग चुके हैं पुली के साथ, इसे वापस से हम अटैच कर लेते हैं हमारे कार में। और यहाँ पर दूसरा टायर भी अटैच कर लेते हैं। कार का पीछे का जो सेक्शन है वो कंप्लीट है, अब कार के आगे का सेक्शन बनाते हैं। उसे लिए भी सेम उसी तरीके से एक रॉड और दो जो वॉल फास्टनर होते हैं वो आधे कट किए हुए हम इसे आगे की तरफ हॉट ग्लू गन की मदद से लगा देंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी डीसी मोटर ले रहा हूँ 3-5 वोल्ट की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसे मैं पीछे की ओर कुछ इस तरीके से चिपका लूंगा। अब इसके अंदर हम एक रबर बैंड लगा के पुली में अटैच कर देंगे, हमारा पीछे का सेक्शन जो है रेडी है। अब यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे, जिसमें हम एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने वाले हैं BD140, एक IR रिसीवर इस्तेमाल करने वाले 1738 और एक कैपेसिटर इस्तेमाल करने वाले हैं 470 माइक्रोफेरड 16 वोल्ट का। तो ये सारी चीज़ों को मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने शोल्डर करके बता रहा हूँ। जैसा कि मैं शोल्डर कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी शोल्डर करना है। और दोस्तों इसका जो सर्किट डायग्राम है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कैपेसिटर लगा लेता हूँ और जैसे ही कैपेसिटर शोल्डर हो जाता है हमारा जो छोटा सा कंपोनेंट है वो बन के रेडी है। ये छोटा सा कंपोनेंट, और यहाँ पर मैंने लिया है छोटी वायर और एक फीमेल JST कनेक्टर। अब इस फीमेल JST कनेक्टर की मदद से हम इसे पावर देंगे। तो पावर देने के लिए यहाँ पे इनपुट रेड वायर और ग्राउंड ब्लैक वायर रहेगी। सेकेंड ग्राउंड जो ब्लैक वायर रहेगी आउटपुट रहेगी, जो कि सेम टर्मिनल में अटैच होगी, और रेड जो आउटपुट रहेगी वो पीछे टर्मिनल में अटैच होगी ट्रांजिस्टर के। अब इसे मैं डायरेक्टली हमारी जो कार है उसके बीचों बीच लगा दूंगा।
और जो आउटपुट वायर है उसे मोटर के ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी कार पूरी तरह बन के रेडी है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा टिकटॉक का बॉक्स ले रहा हूँ, इसे मैं कुछ इस तरीके से आधा कट कर लूँगा। अब ये आधा कट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसे हम हॉट ग्लू गन की मदद से कार के नीचे के हिस्से में चिपका देंगे। अब ये हमें किस काम आएगा आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं ले रहा हूँ 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी मेल GST कनेक्टर के साथ। अब ये जो बैटरी है हम यहाँ पे कार के निचले भाग में कुछ इस तरीके से अटैच कर लेंगे और डायरेक्टली इसे अटैच कर लेंगे कनेक्टर के साथ। यहाँ पर हमारी कार पूरी तरह बनकर रेडी है और बैटरी के लिए भी अच्छी खासी स्पेस है। जैसे ही बैटरी आपको चार्ज करनी होगी आप इसका जो कनेक्टर है वो निकाल सकते हो, बैटरी चार्जिंग के लिए ले सकते हो। अब बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। डायरेक्टली TP4056 को मैंने GST कनेक्टर लगाया है। यहाँ पे टाइप सी की मदद से इसके चार्जिंग LED इंडिकेटर आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं से अगेन रिमूव कर लेता हूँ। अब पार्ट आता है दोस्तों TV रिमोट कंट्रोल कार की टेस्टिंग का। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ऑर्डिनरी रिमोट लिया है, आप भी देख सकते हो। जैसे ही मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ हमारी मोटर को आउटपुट मिल रहा है और मोटर एक रबर बैंड की मदद से हमारी जो कार के पीछे के टायर्स है उसे अच्छे से रोटेट करवा पा रही है। यहाँ पर ये कार पूरी तरह बनकर रेडी है। आप चाहो तो इसमें और डेकोरेशन कर सकते हो, बट यहाँ पर जो इसका कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है। और दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी TV रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी सेट टॉप बॉक्स का रिमोट इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी रिमोट जिसमें दोस्तों IR सेंसर होता है वो रिमोट आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे फिर वो AC का हो या फिर कोई ऑडियो एम्पलीफायर, DVD प्लेयर या फिर कोई TV का, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये कार आपको अगर पसंद आई, वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें। अगर आपका कोई न्यू सुझाव है या फिर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम इस JCB ट्रक को बनाने वाले हैं TV रिमोट कंट्रोल JCB ट्रक, जो कि एक नॉर्मल सा JCB ट्रक है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जल्दी से हम इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट लगा है जो इसके व्हील्स को रोटेट करता है। तो हम इसके व्हील्स को भी यहां से रिमूव कर लेते हैं और ये जो छोटा सा पार्ट है इसे भी हम प्लायर की मदद से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला एक छोटी सी गियर मोटर, यहाँ पर मैं इसे 25 RPM वाली गियर मोटर इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है दो साइकिल स्पोक छोटे से, यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरीके से इसमें फिक्स करने वाला हूँ ताकि इसमें हम आगे रोटेट होने वाले अपने व्हील्स लगा पाए। व्हील्स लगाने के लिए मैं हॉट ग्लू गन का मदद ले रहा हूँ। यहाँ पर हॉट ग्लू गन की मदद से हम इस व्हील्स को यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देंगे और इस DC मोटर को हम JCB ट्रक के बॉडी पे कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने IR रिसीवर का एक छोटा सा सर्किट लिया है जिसकी मदद से हम इस JCB ट्रक को चलाने वाले हैं। तो इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे इसे हम बना सकते हैं। यहाँ पर बैटरी के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 18650 लिथियम आयन बैटरी कुछ इस तरीके की। मैंने इसे डायरेक्टली शोल्डर कर दिया है, आप चाहो तो इसे एक स्विच की मदद से भी लगा सकते हो। हॉट ग्लू गन की मदद से मैं इसे बॉडी पे फिक्स कर देता हूँ। अब बॉडी को यहाँ पर मैं बीच में से शोल्डरिंग आयरन की मदद से एक होल कर ले रहा हूँ ताकि हमारा जो IR रिसीवर का पार्ट है वो ऊपर की ओर निकला रहे, ताकि जब भी हम रिमोट कंट्रोल की मदद से सिग्नल दें यहाँ पर सिग्नल पहुँच पाए। यहाँ पर ये जो बॉडी है ये अच्छे से फिट नहीं हो रही है तो इसका छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब ये बॉडी अच्छे से फिक्स हो चुकी है। यहाँ पर मैंने लिया है TV रिमोट कंट्रोल छोटा सा, जैसे कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पर IR रिसीवर भी है और जैसे ही मैं इसके बटन्स प्रेस करता हूँ आप चेक कर सकते हो यहाँ पर हमारे व्हील्स रोटेट कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आप भी इसे अपने घर में बना सकते हो। जो मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस डिस्क्रिप्शन की लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने IR रिसीवर का सर्किट किस तरीके से बनाते हो वो बताया है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्रोजेक्ट के लिए ताकि ये वीडियो ग्रो करें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।